नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशन को लेके। बेसिकली हम बात करेंगे फ्रेशर के लिए, क्योंकि फ्रेशर क्या करता है कि वो 2-3 महीने किसी फील्ड में जॉब करेगा, 2-3 महीने किसी फील्ड में जॉब करेगा, इस तरह से वो फील्ड चेंज करके ऑलमोस्ट अपने 2-3 साल वेस्ट कर देता है। जबकि उसे करना ये चाहिए कि उसे कोई भी फील्ड ज्वाइन करने से पहले एक अपनी तैयारी करनी चाहिए, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पता करना चाहिए कि मुझे कहाँ पे काम करना है और कहाँ पे नहीं करना है, जो कि वो नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। चाहे वो MBA का स्टूडेंट है, चाहे वो B.Pharma का है, चाहे इंजीनियरिंग है, या वो सिंपल ग्रेजुएट है, उसके लिए जो पॉइंट्स आपको चाहिए, जो टूल्स आपको चाहिए, वो क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए आप अपने सीनियर के टच में हो सकते हैं या उसी प्रोफेशन के किसी लोग को पकड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक MBA स्टूडेंट की बात करते हैं, वो कभी सेल्स में आता है, कभी मार्केटिंग में जाता है, कभी बैंकिंग में जाता है, कभी फाइनेंस को ज्वाइन करता है, कभी इंश्योरेंस सेक्टर को ज्वाइन करता है, तो उसके लिए उसे ये करना चाहिए कि इन सभी सेक्टर जो जो उसकी स्टडी के बाद सेक्टर हो सकते हैं, उन सभी सेक्टर में जो जो उसके सीनियर जॉब कर रहे हैं उनसे बात करें, या फिर किसी फील्ड में जो उस फील्ड में काम कर रहा है उससे बात करें, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को नोट करें एक पेपर के ऊपर, ठीक है। कुछ नॉलेज वो गूगल से ले सकता है, यूट्यूब से ले सकता है, ठीक है, या फिर कोई उसके मेंटर हैं जो उसको पुराने टाइम से जानते हैं, उसके टीचर्स हैं, उनसे गाइड कर बात कर सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक और प्रोफेशन है, मोस्ट ऑफ दी जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, फार्मेसी करते हैं। फार्मेसी के बाद वो सबसे पहली जॉब पकड़ते हैं कि आज मुझे सेल्स में जाना है, मुझे MR बनना है, तो MR बन जाते हैं। MR बनने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो बड़ी टफ जॉब है, गर्मी में सर्दी में बाइक पे इधर से उधर जाना है, घूमना है, सब कुछ करना है। फिर वो छोड़ के क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को ज्वाइन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जाके उनको क्या कॉम्प्लेक्स आता है कि भैया नहीं, ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि खड़ा रहना पड़ता है पूरा दिन के लिए। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो QC ज्वाइन करते हैं, QA ज्वाइन करते हैं, कोई दोबारा सेल्स में आता है, कोई अपनी दुकान खोल लेता है। तो मेरे कहने का पर्पज यही है कि आप अपने टाइम को किल ना करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें। अगर आपने 2-3 साल सिर्फ प्रोफेशन चेंज करने में ही लगा दिए, तो उसके बाद क्या होगा कि जो 3 साल में आपकी ग्रोथ होनी है वो नहीं होगी। 3 साल बाद भी आप एक ऐसी जगह खड़े होंगे जहां पे कोई जूनियर जो 3 साल होगा वो भी वहीं सेम लेवल पे खड़ा होगा। तो आप अपने टाइम को किल ना करें। टाइम को किल करने से अच्छा है कि आप अपने फाइनल ईयर में प्रॉपर एक गाइडेंस को पकड़ें, प्रॉपर चैनल बनाएं, मेरिट्स डीमेरिट्स नोट करें और उसको प्रोफेशन में आने से पहले अप्लाई करें। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता था, तो इसके लिए धन्यवाद।